गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मैं इतनी जल्दी उठ गई हूँ, रेडी हो गई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने गांव, घर जा रही हूँ मैं। और आप सभी को पता है कि मेरा घर है सांगला वैली में, तो मैं आपको ले चलती हूँ अपने साथ और दिखाऊँगी सोलन से सांगला तक की जो जर्नी रहती है मेरी। तो चलिए चलते हैं और करते हैं आज के वीडियो को शुरू। और वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए चलते हैं, करते हैं शुरू। तो अब मेरी बस निकल रही है यहाँ से। मौसा जी आए थे मुझे छोड़ने यहाँ तक। ये है लिप्पा सोलन वाली बस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सुंदर सनराइज़ हो रहा है। मैं इस मोमेंट को कैप्चर किए बिना रह नहीं पाई। मतलब कैमरे में इतना जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा शायद, बट ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो ये है शिमला ISPT और ये है मेरी बस जिसमें मैं जा रही हूँ। अभी दिल्ली सांगला बस आई नहीं है, वेट करती हूँ। आ गई आ गई। अभी हम पहुंच गए हैं कुमारसन और यहाँ पे हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। बाकी मैं आपसे आगे मिलती हूँ। ये रुके हम शर्मा होम स्टे ढाबा मुरथल में और वो खड़ी है हमारी बस। तो ये है जो हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करती हूँ पहले, फिर मिलती हूँ। ये मंगवाया मैंने आलू प्याज का परांठा और साथ में दही। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी जो बस है वो चल पड़ी है कुमारसन से। अब सीधा मैं आपसे आगे मिलती हूँ रामपुर में। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि बस में बहुत शोर था और बाहर से भी बहुत नॉइस आ रही थी। सो अभी मैं पहुँची हूँ रामपुर। रामपुर में मैं पहुँची हूँ खोपड़ी। तो इसके बाद मैं सीधे अब आपसे बदाल में मिलूँगी क्योंकि वहाँ पे बस रुकेगी लंच के लिए। सो चलिए, हम पहुँचे हैं बदाल। यहाँ पे लंच करने के लिए रुके थे। ये है लिप्पा वाली बस और ये हमारी बस। और ये सामने है होटल हिमालयन हेरिटेज। तो 10 मिनट के ट्रैफिक के बाद अब हम निकल गए हैं बाबा नगर की ओर। और जो हाँ, मैंने पीछे आपको दिखाया वो जगह है तरांडा ढांक, जहाँ पे एक छोटा सा नेचुरल टनल भी बोल सकते हो आप। बहुत ही छोटा सा है पर बहुत सुंदर है। तो चलिए चलते हैं आगे और आप भी इंजॉय करिए इस जर्नी को। Thank you.
वाले हैं करछम, जहाँ पे करछम डैम भी बना हुआ है, और करछम से डायरेक्ट आगे को हम जाते हैं रिकोंगपियो काजा वाली साइड और अपर किन्नौर वाली साइड को, और करछम से राइट हमको टर्न लेना है सांगला के लिए, सांगला रक्षम छितकुल के लिए। सो चलिए चलते हैं। अब हम आ गए हैं सांगला वाले रोड पे, और जो सामने आप गांव देख रहे हो ये है ब्रुआ गांव, और उसके सामने दूसरी वाली चोटी पे आप जो गांव देख रहे हो वो है सापनी गांव, जहां पे मेरा ननिहाल भी है। सो चलिए अब सीधा मैं घर पे मिलती हूँ आपसे। जी, तो मैं पहुंच गई हूँ अपने गांव और अभी मैं जा रही हूँ घर, और ये है मेरे घर का रास्ता। मार्केट से मैं आ गई हूँ क्रॉस करके, मार्केट में बहुत सारे लोग थे तो मैंने शूट नहीं करा कुछ। ये जो मेरे घर का रास्ता है और आगे दिखाऊंगी। किन्नौर के जो पुराने घर होते थे लकड़ी वाले, वो कुछ ऐसे होते हैं। तो अभी मेरे घर के लिए बहुत सारी स्टेयर्स है, अभी ये उतर के मुझे जाना है यहाँ से। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये कठार होते हैं किन्नौरी में, इनको उर्स बोलते हैं। ये दोनों सेम है, और ये सामने मेरी मासी का घर। तो ये पहुंच गई मैं अपने घर, ये है मेरा नया घर, और यहाँ से जाते हैं पुराने घर को। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। हेलो जी, वेलकम बैक टू दी चैनल। अभी जो है मैं घर पहुंच गई हूँ। मम्मी मार्केट में कुछ काम कर रहे हैं, मम्मी स्कूल से आ गए थे, और भैया और पापा जो है वो शॉप पे हैं। मैं थक गई थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं घर चली जाती हूँ, और घर आके बड़ा अच्छा अच्छा फील हो रहा है मुझे, और यहाँ का व्यू तो दिखाऊंगी अभी, थोड़ा सा ऐसे देख लो, बाकी अभी दिखाती हूँ आपको मैं यहाँ का व्यू। बाकी मैं सोच रही हूँ कि आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब जितना भी व्लॉग बना होगा देख के मैं एडिट करके अपलोड कर दूँगी, और आगे बने रहिए मेरे चैनल पे। किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले व्लॉग्स जो है वो इंटरेस्टिंग होंगे। ऑब्वियसली मैं गाँव में आई हूँ तो फिर गाँव के व्लॉग्स अच्छे ही होते हैं, और कुछ शादियों में भी जाऊँगी और आपको फिर से मैं किन्नौरी मैरिज दिखाऊँगी। तो पहले वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। तो ये है जी गांव का व्यू, और मौसम इतना अच्छा हुआ है, और आजकल ना बहुत ग्रीनरी होती है, पूरा ग्रीन ग्रीन, देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये है जी मेरा सुंदर गांव सांगला, वहाँ पे अभी सनसेट होगा, और वो जो आप नदी देख रहे हो वो है बासपा नदी, देख सकते हो बहुत ही सुंदर। और यहाँ के जो पुराने घर होते हैं ना, एक सेकेंड मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, वो देखो लकड़ी वाला घर, वैसे हमारे पुराने घर होते थे यहाँ के लकड़ी वाले, और इसके ऊपर जो छत लगी है वो स्लेट की छत लगी हुई है। तो ये जी आज का व्यू, और इतना सुंदर हो रखा है ना, बहुत सुंदर। सो
दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहिए मेरे चैनल पे. आपको अभी कुछ दिनों में काफी अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे. सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय.